आज अपने यहाँ शुरू करते हैं कि अपने राजस्थान में जो महिला व्यक्तित्व टॉपिक है उसके व्यक्तित्व टॉपिक में महिला व्यक्तित्व है। क्या है? महिला व्यक्तित्व। महिला व्यक्तित्व यानी अपने राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान की महिला व्यक्तित्व। राजस्थान में जिस प्रकार से पुरुष अपने राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानी थे, उसी प्रकार से राजस्थान में महिलाओं ने भी अपने राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य किया है। अपने एक एक करके सारी जो महिला व्यक्तित्व है उनके बारे में देखें, यानी महिला जो स्वतंत्रता सेनानियाँ थी उनके बारे में अपन बात करें। ठीक है, सबसे पहले बात करें अपन रतन शास्त्री के बारे में। कौन है? रतन शास्त्री। रतन शास्त्री के बारे में बात करें तो ये जयपुर राज्य के सत्याग्रह के समय इन्होंने जयपुर राज्य के सत्याग्रह के समय स्वतंत्रता सेनानियों का इन्होंने कुशल नेतृत्व किया और 1939 में जयपुर प्रजामंडल का कुशल नेतृत्व किया और इनको जो है पद्म विभूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान प्राप्त करने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला है। ठीक है, इनके बारे में देखिए। और अपन इसमें ये रतन शास्त्री जो है जयपुर राज्य के सत्याग्रह के जयपुर राज्य के जयपुर राज्य पूरे जयपुर राज्य के अंदर जो सत्याग्रह हुआ था उस सत्याग्रह में जयपुर राज्य के सत्याग्रह में इनके द्वारा सत्याग्रह में स्वतंत्रता सेनानियों का सत्याग्रह में स्वतंत्रता स्वतंत्रता सेनानियों का स्वतंत्रता सेनानियों का कुशल नेतृत्व किया कुशल नेतृत्व किया कि इनके द्वारा जो जयपुर के अंतर्गत जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था उस सत्याग्रह आंदोलन में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका नेतृत्व किसने किया? रतन शास्त्री के द्वारा उन स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व कुशल नेतृत्व किया कि रतन शास्त्री के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने प्रशिक्षण लिया, वो किस प्रकार से रणनीति बनानी और किस प्रकार से आंदोलन करने हैं वह सारा नेतृत्व जो है रतन शास्त्री के द्वारा किया गया है। ठीक है, और इनके बारे में देखें, और इन्होंने जो है जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। 1939 में जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय भूमिका निभाई है। सक्रिय भूमिका निभाई है। ठीक है, इनके द्वारा जो है जयपुर प्रजामंडल में इन रतन शास्त्री की सक्रिय भूमिका थी, यानी अहम रोल था इनका। बाकी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में ही हो जाती है और इसके संस्थापक रहते हैं कपूरचंद पाटनी इसके जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका स्थापना की जाती है जयपुर प्रजामंडल की तो फिर वो बाद में 1939 में होती है। उस प्रजामंडल में रतन शास्त्री का अहम रोल रहता है और इनको पद्मश्री एवं पद्म विभूषण प्राप्त सम्मान इनको भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। यहाँ देखें, भारत सरकार द्वारा इन्हें इन्हें पद्मश्री व पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है।
कि भारत सरकार ने रतन शास्त्री को जो है पद्मश्री व पद्म विभूषण सम्मान इनको दिया है, और ये सम्मान प्राप्त करने वाली राजस्थान में एकमात्र महिला है, और यह सम्मान प्राप्त करने वाली दोनों सम्मान प्राप्त करने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला है। राजस्थान की एकमात्र महिला है जिनको ये पद्मश्री एवं पद्म विभूषण दोनों सम्मान भारत सरकार के द्वारा इनको दिए जाते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, ये हो गए अपने रतन शास्त्री, ये महिला है, ठीक है, पुरुष नहीं है, कौन है, महिला है। ठीक है, दूसरा देखिए अपन, यहाँ देख लेते हैं, नारायणी देवी वर्मा कौन है, दूसरा महिला व्यक्तित्व है अपने नारायणी देवी वर्मा जो है माणिकलाल वर्मा की पत्नी है। कौन है, माणिकलाल वर्मा की पत्नी है, और इन्होंने मेवाड़ प्रजा मंडल का कार्य किया है, मेवाड़ प्रजा मंडल का संचालन किया है इनके द्वारा नारायणी देवी वर्मा को, और इनको जो है 24 जनवरी 1939 को इनको राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है, राज्य से इनको बाहर निकाल दिया जाता है। फिर बाद में इनके द्वारा नारायणी देवी वर्मा के द्वारा भीलवाड़ा में 14 नवंबर 1944 को महिला आश्रम की स्थापना की जाती है, जो भीलवाड़ा का सबसे बड़ा स्कूल और महाविद्यालय दोनों वहाँ पर संचालित किया जाता है महिला आश्रम के नाम से, जो किनकी स्थापना की है, नारायणी देवी वर्मा की द्वारा स्थापित किया जाता है। इनके पति का नाम माणिकलाल वर्मा जो है मेवाड़ प्रजा मंडल के संस्थापक थे, इनका जन्म बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ है। ठीक है, इनके द्वारा मेवाड़ में बहुत सारे कार्य किए हैं, इनका ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके द्वारा बहुत सारे कार्य स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य किए गए हैं। ठीक है, और देखें मेवाड़ प्रजा मंडल का कार्य मेवाड़ प्रजा मंडल का संचालन किया कि मेवाड़ प्रजा मंडल के संस्थापक कौन थे, माणिकलाल वर्मा थे, और इनकी पत्नी के द्वारा यह संचालन किया गया, किसका, मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना होती 1938 में मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना होती है, और इसके संस्थापक थे माणिकलाल वर्मा, और इसके मेवाड़ प्रजा मंडल के अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता, और इसके उपाध्यक्ष थे भूरेखा, ठीक है, भूरेलाल भैया वो इसके उपाध्यक्ष थे। 1938 में मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना होती है, संस्थापक कौन रहते हैं, माणिकलाल वर्मा के संस्थापक रहते हैं, उसके अध्यक्ष जो है बलवंत सिंह मेहता इसके मेवाड़ प्रजा मंडल के अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आगे और नारायणी देवी वर्मा के बारे में, इनको 24 जनवरी 1939 को राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है। इनको राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है कब, 24 जनवरी 1939 को माणिकलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा को दोनों को, और इनकी एक पुत्री भी थी, उन तीनों को जो है राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है और राज्य से बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए इनके बारे में कि इनके द्वारा यहाँ पर भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना की जाती है महिला आश्रम की स्थापना की जाती है
14 नवंबर 1944 को भिलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की जाती है। महिला आश्रम संस्थान की स्थापना की जाती है। और ये महिला आश्रम की स्थापना 14 नवंबर 1944 को भिलवाड़ा में महिला आश्रम संस्थान की स्थापना की जाती है। और ये भिलवाड़ा का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, प्राइवेट है, संस्थान है पूरा, ये संस्थान संचालित है जिसमें कॉलेज और स्कूल दोनों का संचालन किया जाता है। ठीक है, पहले जो है महिला भी इतना व्यक्तित्व रखती थी कि पुरुष के बराबर कार्य करने की, और अभी जो कुछ महिला है कोई डरती है, कोई आगे कार्य करने के लिए साहस दिखाती है अपना, जो महिला अपना साहस दिखाती है कार्य करने के लिए वह जिंदगी में अपना सफल होकर दिखाती है, जो डरती है या फिर जो पीछे हटती है वह हमेशा डरती हुई रह जाती है। इसलिए किसी कभी भी डरना नहीं चाहिए और साहस दिखाते हुए हर एक कार्य को करना चाहिए। ठीक है, वही इंसान आगे प्रगति करता है। ठीक है, आगे देखें नारायणी देवी वर्मा हो गया। अब देखें नेक्स्ट महिला व्यक्तित्व वह अपने तीसरा महिला व्यक्तित्व जो है जानकी देवी, जानकी देवी बजाज, जानकी देवी बजाज जो है जमनालाल बजाज की पत्नी है। ठीक है, कौन है, जमनालाल बजाज की पत्नी है और इनके द्वारा जो है विनोबा भावे के सानिध्य में इन्होंने गौ सेवा का कार्य किया है और इनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया जाता है और पद्मश्री पाने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है। ठीक है, यहाँ देखें ये जमनालाल बजाज बजाज की धर्मपत्नी है, जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी है। ठीक है, और इनके द्वारा विनोबा भावे के सानिध्य में गौ सेवा कार्य किया जाता है। विनोबा भावे भावे के सानिध्य में गौ सेवा कार्य किया जाता है। विनोबा भावे एक महान व्यक्ति है, महान दान दाता है। इनके द्वारा एक भू आंदोलन चलाया जाता है, यानी भूमि के ऊपर जो आंदोलन है वह भू आंदोलन जो है विनोबा भावे के द्वारा चलाया जाता है। इनके द्वारा बहुत सारे सेवा के कार्य किए जाते हैं, जैसे गौ सेवा है, भू सेवा है। इस प्रकार से राजस्थान में दानदाताओं के अंतर्गत विनोबा भावे का नाम आता है। ठीक है, और भू आंदोलन चलाने का कार्य भी विनोबा भावे के द्वारा किया जाता है और इनके द्वारा गौ सेवा के कार्य किए जाते हैं, जिसमें ये जानकी देवी बजाज जो है विनोबा भावे के सानिध्य में कार्य करती हैं। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है, और यह सम्मान प्राप्त करने वाली राजस्थान की
प्रथम महिला है कि राजस्थान की जानकी देवी बजाज जो है इनको, जो राजस्थान में पहली महिला है जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? पद्मश्री से। जो रतन शास्त्री है वह महिला है जिनको पद्मश्री व पद्म विभूषण मिला है, जो राजस्थान की एकमात्र महिला है। इसका ध्यान रखना, रतन शास्त्री जो है उनको पद्मश्री और पद्म विभूषण दोनों सम्मान मिले हैं, वह सम्मान प्राप्त करने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला है। उनको पद्मश्री मिला है, ये राजस्थान की प्रथम महिला है जिसको पद्मश्री मिला है। ठीक है, प्रथम महिला है जिनको पद्मश्री मिला कौन है? जानकी देवी बजाज जो है राजस्थान की प्रथम महिला है जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है, और रतन शास्त्री जो है दोनों सम्मान प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला है। दोनों में अंतर है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए अपन। चौथी महिला व्यक्तित्व है अंजना देवी चौधरी। कौन है? अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी जो है रामनारायण चौधरी की पत्नी है। ये प्रथम कांग्रेसी महिला होते हुए भी जो सत्याग्रह आंदोलन चल रहे थे उसमें जो विद्रोह हुए, उन विद्रोह का के विरुद्ध इनके जो सत्याग्रह थे, जो सत्याग्रह आंदोलन चल रहे थे उनमें जो उनके विरुद्ध विद्रोह किया और इनके द्वारा, अंजना देवी चौधरी के द्वारा। ठीक है, ये रामनारायण चौधरी की पत्नी है, ठीक है, और ये कांग्रेसी महिला होते हुए भी इनके द्वारा जो कांग्रेस के अंतर्गत जो सत्याग्रह आंदोलन चल रहे थे उसमें इनके विरुद्ध विद्रोह किया। ये प्रथम कांग्रेसी महिला थी जिसने सामंती अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया। कि यह राजस्थान की प्रथम कांग्रेसी महिला थी जिनके द्वारा सामंती अत्याचारों के द्वारा जो अत्याचार चल रहे थे उनके विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया। किन्होंने किया? अंजना देवी चौधरी ने जो है विद्रोह किया। ये एकमात्र महिला थी जिनके द्वारा सामंती अत्याचारों का विरोध किया जाता है, उनके विरुद्ध विद्रोह किया जाता है। कि तुम लोग ऐसा किस क्यों कर रहे हो, उनका विरोध किया जाता है। और ठीक है, और अंजना देवी चौधरी जो है राजस्थान की और अपने यहाँ पर स्वतंत्र सेनानियों में एकमात्र महिला थी जिनको गिरफ्तार किया गया। ठीक है, यहाँ देखें, यह राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानियों की पहली महिला हैं। राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला है। कि राजस्थान की एकमात्र महिला थी जिनको राजस्थान की
यह राजस्थान की प्रथम महिला है जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले राजस्थान की प्रथम महिला है जिनको स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे उस समय इनको अंजना देवी चौधरी को जो सबसे पहले गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, गिरफ्तार होने वाले राजस्थान की प्रथम महिला है। ठीक है, अब लास्ट एक और महिला बची है महिला व्यक्तित्व में, उनको देखे, उनका नाम है नगेंद्र बाला। क्या नाम है? नगेंद्र बाला। नगेंद्र वह है अपने नगेंद्र बाला। ये नगेंद्र बाला है जो कोटा की रहने वाली महिला है। इनके द्वारा कोटा के अंतर्गत बहुत सारे समाज सेवा के कार्य किए जाते हैं और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी और यह राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख बनने वाली महिला है। राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख कौन बनी है? नगेंद्र बाला बनते हैं। ठीक है, इनके देखे कोटा की रहने वाली है ये, कोटा की स्वतंत्रता सेनानी, कोटा की स्वतंत्रता सेनानी वह समाज सेविका है, वह समाज सेविका है, वह समाज सेविका है और ये राजस्थान की प्रथम महिला है, राजस्थान की प्रथम महिला है। प्रथम महिला है जो जिला प्रमुख बनी, जो जिला प्रमुख बनी। ठीक है, जिला प्रमुख कौन बनती है? ये कोटा की रहने वाली है, जो कोटा की रहने वाली, कोटा में स्वतंत्रता सेनानी व समाज सेविका का कार्य करती थी और और यह है जो है राजस्थान की प्रथम महिला जो जिला प्रमुख बनी। क्या बनी? जिला प्रमुख। सबसे पहले जिला प्रमुख महिला, जिला प्रमुख और राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख कौन बनती है? नगेंद्र बाला बनती है, राजस्थान की प्रथम महिला जो जिला प्रमुख बनी है। इसका प्रश्न प्रश्न में परीक्षा के अंतर्गत पूछा जा सकता है। और देखें और है अपने यहाँ पर महिला व्यक्तित्व में इंदुमती गोयनका, इंदुमती गोयनका, गोयनका और है मणि बहिन पंड्या और है सत्यभामा। क्या है? कौन है? सत्यभामा। यह महिला है जो अपने राजस्थान में व्यक्तित्व में है। इंदुमती गोयनिका भी है, मणि बहन पांड्या है जो भोगीलाल पांड्या की पत्नी है, भोगीलाल पांड्या की पत्नी है, भोगीलाल पांड्या की पत्नी है। ठीक है, और सत्यभामा ये महिला व्यक्तित्व अपने, ठीक है,